Rousseau had an immense influence on education and its philosophy in the 19th century The first foremost thing was natural interests versus artificial effort Traditional education aimed at remaking the nature of the child by forcing upon him the traditional way of thinking of doing and even of emotional reaction jo traditional ya rasmi tarika, एक बच्चे को सिखाने का था वो ये था कि एक बच्चे को रीमेक किया जाता था उसका एम ये होता था कि एक इंसान को एक बच्चे को चेंज करके एक नया इंसान उसमें से बनाया जाए और स्पेशली उसकी नेचर को निगेट करते हुए और उस पर फोर्स की जाए ट्रेडिशनल वेज ऑफ थिंकिंग अब अगर हम बच्चे को एक स्कूल सेटिंग में भेजते हैं जहां उसको ट्रेडिशनल तरीका बताया जा रहा है सोचने का एक किसी भी फिनोमिना के बारे में तो यहां हम उसकी जो नेचुरल टेंडेंसी है उसको हिंडर कर रहे हैं और उसको ये बता रहे हैं कि आपने इसी तरह सोचना है नाउ फॉर इंस्टेंस यू टीच अ चाइल्ड टू टेक वाटर इन अ ग्लास एंड नॉट इन अ कप एंड इफ द चाइल्ड वॉन्ट्स टू ड्रिंक वाटर फ्रॉम अ बिग पॉट which is usually not used uh, for drinking water then in a way we are trying to suppress that natural inclination or natural urge or curiosity to find the purpose of things so according to rousseau it was uh, different but the traditional way was that even the way of thinking jo sochne ka andaaz hai वो भी traditional होना चाहिए चीज़ों के बारे में उनको करने का अंदाज भी और यहाँ तक कि जज्बाती जो reactions हैं जो हमारे जज्बात हैं यानी किस बात के ऊपर तुम रो सकते और किस बात के ऊपर नहीं रो सकते किस बात पे आप मुस्कुरा सकते हैं और किस बात पे नहीं मुस्कुरा सकते ये भी सिखाया जाए जो कि अकॉर्डिंग टू रूसो गलत था अब रूसो जहाँ नेचुरल इंटरेस्ट वर्सेज आर्टिफिशियल एफर्ट पर कहते हैं कि फॉर रूसो एजुकेशन वॉज लाइफ इट not नॉट अ for फॉर फ्यूचर यहाँ ये बात समझनी बहुत ज़रूरी है कि एजुकेशन जब एक बच्चा स्कूल में हासिल कर रहा होता है तो वो अपने अंदर एक जाम और मुकम्मल ज़िंदगी है ना कि एक आने वाली ज़िंदगी के लिए प्रेपरेशन का टाइम है ऐसा नहीं है यही उसकी एक जाम ज़िंदगी है जिसमें उसे ज़िंदा रहना है और जो उसके अंदर उसको डिवेलप करना है हमेशा हाँ, हाँ, ये सोच जो ट्रेडिशनल है वो ये कि एजुकेशन इज़ प्रिपेयरिंग यू फॉर द फ्यूचर एंड इज़ नॉट अ लाइफ इन इट सेल्फ़ बट अकॉर्डिंग टू रूसो इट इज़ अ लाइफ इन इट सेल्फ़ एंड रूसो हेल्प एजुकेटर व्यू चाइल्ड एज अ चाइल्ड एंड नॉट एज अ मिनी एडल्ट रूसो का एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन ये था कि एजुकेटर्स को उन्होंने बच्चे को एक बच्चा समझने के ऊपर और एक बच्चे के तौर पे देखने पे आमादा किया ना कि एक छोटे एडल्ट के तौर पे एक ऐसे शख्स के तौर पे जो कि दिखने में छोटा नज़र आता है लेकिन उसकी सालायतियों की एक्सपेक्टेशन ये है कि वो बिल्कुल एडल्ट वाली हूँ

आप लाइफ लॉन्ग लर्निंग के अंदर किसी को उसकी एज की बुनियाद पे भी बार नहीं कर सकते किसी जगह इल्म हासिल करने से सो यू विल सी मेनी पीपल हु आर एजड स्टडिंग इन यूनिवर्सिटीज़ विद 20 इयर्स ओल्ड विद 19 इयर्स ओल्ड विद 24 इयर्स ओल्ड मे बी 60 इयर्स ओल्ड आर स्टडिंग विद देम सो इट्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग जिंदगी में तलीम हर वक्त और हर हर जगह हासिल की जा सकती है यही ख्याल रूसो का था कि जिंदगी जो पूरी है वो एक तालीम का नाम है न कि बच्चे की वो तालीम जो इस सिर्फ एक टीचर के हाथों में हो एक ख़ास पैन ऑफ टाइम के दौरान तो ये उनकी एक बहुत बड़ा इंफ्लुंस था और उसके बाद चाइल्ड एट द सेंटर रूसोस फिलासफी ऑल्सो चेंज द रोल ऑफ द चाइल्ड इन द एजुकेशनल प्रोसेस एंड द फोकस शिफ्टेड फ्राम द टीचर टू द स्टूडेंट रूसो के फलसफे ने एक बहुत बड़ा चेंज दिया बच्चे के किरदार के ऊपर एजुकेशन के प्रोसेस में यानी जो एजुकेशन का प्रोसेस है उसमें जो बच्चा है जो स्टूडेंट है उसका किरदार भी उतना ही जरूरी है जितना एक उस्ताद का है तो ये पहली बार हुआ कि जो एम्फेसिस था जो रोशनी थी वो बच्चे पे डाली गई ना कि टीचर पे उतनी ज्यादा जितनी पहले ट्रेडिशनली की जा रही थी एंड देन फाउंडेशन ऑफ नाइनटीथ सेंचुरी एजुकेशनल डिवेलपमेंट रूसो की फिलासफी फ़ाउंडेशन uh, बन गई 19वीं सदी के उन एजुकेशनल रिफॉर्म्स के लिए जो उसके बाद सामने आए और एजुकेटर्स हु केम आफ्टर लुक टू हिज फिलासफ़ी डिस्पाइट ऑफ वेरियस कॉन्ट्रोवर्सिस और बहुत सी कॉन्ट्रोवर्सीज़ के बावजूद जो एजुकेटर्स सामने आए उन्होंने रूसों की फ़िलासफ़ी के ऊपर अमल किया एंड इफेक्ट्स ऑन स्कूल ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आ, अब इंस्टीट्यूशनस के ऊपर क्या इफेक्ट आया दी इफेक्ट ऑफ रूसज फ़िलासफी ऑन स्कूल व नॉट इमीडिएट ड्यू टू द इंटेंस अपोजिशन फ्राम चर्च एंड स्टेट और चूँकि रूसो हकूमत और चर्च के खिलाफ बात करते नज़र आते थे और इंस्टीट्यूशन के तो जो उनका इफेक्ट था वो फौरी तौर पर सामने नहीं आया क्योंकि अपोजिशन में चर्च जो कि एक बहुत स्ट्रॉग अपोजिशन थी और स्टेट जो कि स्ट्रॉन्ग अपोजिशन थी सामने खड़े थे